हाँ जी मेरे मित्र प्यारे हो, की हाल है तुहाडा? जिदा कि यार एक चीज मैं बहुत बहुत ज्यादा सॉरी मांगदा पियावां कि आप कुछ भी बोलो ये नहीं सुनने वाला। यार मैं ब्लॉग नहीं बना रहा ही काफ़ी टाइम हो गया, मतलब एक मंथ होने ही वाला हो ही चला एक तरह का हो ही गया समझ लो कि ब्लॉग ही नहीं आया। तो वो बहुत सारे रीज़न भी आ तुम मैं दसूँगा की सके। तो मेरा फोन भी खराब हो गया ही यार, तो सानू न्यू काम मिलया वा वो भी असी थोड़ा जहा हूँ ज़्यादा बिजी रहने साडा कुरियर का काम आदेश भी तुम मैं दसूँगा कि यार एक डिलीवरी बॉय अपने काम नु किदा करदा आ। तो करना परेशान हो गए हम लोग ढाई साल से, ये भी परेशान हो गए हम भी परेशान हो गए, करो फिर ठीक है। ओली की मुश्किल आ जाती है या किस तरीके ना वो अपना टाइम काट ही नहीं पाता है ना, जिदा कि मैं इन्ना ज्यादा बिजी हो गया सी कि मैं तो फोन चलाने का भी टाइम नहीं मिलता पाया। हूँ भी मतलब मैं बहुत ज़्यादा बिजी हैगा आ, मेरे तो काम काफ़ी आ, पर फिर भी मैं कोशिश कर रहा कि मैं यार ब्लॉग छड़ना का तो क्यों ना इतनी थोड़ा थोड़ा टाइम कढ़िया जाए, थोड़ा थोड़ा करके एक भावें दो मिनट तीन मिनट चार मिनट की वीडियो पाई जाए। ये बड़ी अच्छी बात कही है। ठीक है जी, तो वो आप जरूर बनावे, तो अज का ब्लॉग आप शुरू कर रहे हैं, तो अज तो तुम अपना थोड़ा जहा काम भी दिखावे किस तरीके का सा काम हों। रंग मेरा थोड़ा काला हो गया धुप्पे फिर फिर के। अच्छा सा हले तो गर्मियाँ आनी आ, होर भी रंग काला हो सकता है। तो बाकी परना पुना बन के चली दा है धुप तो थोड़े प्रोडक्शन आ देखो बाहां भी चढ़ाई हुई तो पूरी सेफ्टी आ, टोपी इस करके रखी दी है धुप घट जाए। अच्छा हमको सिखा रहा है, पर फिर भी तुम पता जी गर्मी बहुत ज़्यादा वा, फिर भी वह भी बचाव करना पैंता है। ते बाकी होर अगे ब्लॉग बनाने करते हैं शुरू, ब्लॉग छड़ना नहीं है क्योंकि काफ़ी मैं सबसक्राइबर ने मैं खुद मिल के भी कहा ही जेडे मैं मिलते रहेंगे डेली, उन्होंने कहा यार तू हम वीडियो नहीं बना रहा कि चक्कर, तो मैं एक्सक्यूज लगाई गया कि नहीं यार मैं बनाऊँगा बनाऊँगा बट मैं बना नहीं रहा। तो फिर मैं कमेंट भी आए कि यार बस खत्म तो इस करके फिर हम आप ब्लॉग शुरू करना है। ठीक है जी, तो अगे ब्लॉग मैं दिखा कि आप होर अगे की करना, हूँ आप काम के रिलेटेड ही गल करा जो भी अपने काम होगा। हाँ जी मेरे मित्रों की हाल आ, यार बहुत बहुत ज़्यादा सॉरी मैं मांग रहा हाँ कि मैं ब्लॉग नहीं बना रहा, पर हूँ मैं ब्लॉग शुरू किए आ। मेरे नाल मेरा दोस्त जिगरी लड्डू, तो असी एक हम फिर डिलीवरी कर जा रहे हैं, तुम्हें दस आप कुरियर का काम शुरू किया। इदा ही साडा यार सारा दिन इदा ही निकलता पाया, मतलब इदा ही बाइक से डिलीवरी करना सारा दिन धुप्पे निकल जाना, धुप तो टोपी भी पाई आ, मतलब रंग भी काला हो गया आ, टाइम मेरा बहुत मतलब है पता फोन की मेरी बैटरी खराब आ, जिन्ना कि मेरा फोन की बैटरी बहुत घट निकलती है, जिस करके मेरा ना थोड़ा जो कंपनी का ऐप भी चलाना पैंता है, जिन्हें डिलीवरी भी करनी होंगी है कॉलां भी करनी होंगे कस्टमर को, फिर करके ब्लॉग बना टाइम जहाँ नहीं लगता यार। ठीक है, तो कोई चक्कर नहीं, हूँ आप थोड़ा जहा टाइम जरूर क्डा जरूर बनावे, भावें चार पाँच मिनट का ब्लॉग ही बनाइए बनावे जरूर। जितना कि यार डिलीवरी का काम तुम पता ही आ, पिंड पिंड भी जाना पैंता है, घर घर जाना पैंता है, मतलब जिते भी कस्टमर कहे भी उत्थे एड्रेस पर पहुँचा पैंता है, डिलीवरी बॉय का काम होंगे सारी दिहाड़ी इन्हें चलाई जाती है, तो 40-50 पार्सल डेली होंगे ही है साढ़े तो ज़्यादा भी हो जाते हैं। ठीक है, जिदा कल मंडे ही, कल तो बहुत ज़्यादा सी, कल तो 90 के लागे से पार्सल। ठीक है, तो हूँ अभी अपने जामे पर जा रहे हैं। ठीक है, तो अभी लागे पिंड से डिलीवरी कर जा रहे हैं। बाकी बहुत सारे एड्रेस इदा के होंगे जिते कि पुछ पुछ के ही जाना पैंता है, अभी भी पता लग ही जाता बंदे को, अपने एरिए का भी पता लग जाता है, तो बाकी चल ही जाता कंटिन्यू काम, थोड़ी थोड़ी कंटिन्यू काम के नाल नाल ग्रो भी जरूर होगा। तो तुम ये देख लो भाई सारा दिन घूम घूम के ना हालात शाम इदा के हो गए कि बस
बहुत ज़्यादा मतलब थक ही जाइए बस सारा दिन घूम घूम सारे दिन डिलीवरियाँ करवाइया होंगे बस वो ही सारा दिन इदा ही कहते ना आवारा करती हवा क्या बोला तूने आवारा करती तो नहीं पर काम काम ही इदा है आवारा करती है कि मतलब इस जॉब में भी बहुत ज़्यादा हार्ड मनने एक तरह दिखे जाए एक डिलीवरी बॉय की जॉब भी बहुत ज़्यादा हार्ड आ हाँ जी मेरे मित्र देख लो ये हूँ शाम के बजे है 7:30 आ टाइम हो जाता साढ़ा जिदा सवेर तो काम स्टार्ट हों 10 बजे 10 तो लैके 7:30 इन्ना टाइम लग ही जाता भाई आप ही सोच सकते हैं भी सारा दिन इतना ही बिजी निकल जाता भाई चलो कोई ना फिर भी ताड़े लिए जरूर टाइम कटा जरूर नवे नवे ब्लॉग बनावे टेंशन ले ब्लॉग नवे नवे आंदा भी है।